हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक नया स्नैक बनाने जा रहे हैं और वो है पैटीज, आलू और दाल की पैटीज मैं बना रही हूँ। ये देखिए, ये बॉइल्ड आलू ले लिया है मैंने 3 से 4 और उनको इस तरीके से मैं ग्रेट कर रही हूँ ताकि आपका टाइम ना लगे ज़्यादा। तो मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए, इस टाइप से इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आलू को पहले बिल्कुल बॉइल करके ठंडा कर लिया है और ऐसे हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये लिया है हमने थोड़ा ऑयल, आप देख सकते हैं। ये लिया है मैंने धनिया, 1 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 1 हरी मिर्च को हमने काट लिया है, 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है, 1/4 टीस्पून चाट मसाला है, 1/4 टीस्पून ही अमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट है और थोड़ा सा हम हींग डालने वाले हैं। ये मैंने ब्रेड क्रम बना के रखे हैं, आप फ्रेश ब्रेड क्रम बना लें, 3 से 4 ब्रेड लेंगे। मैंने एक खुले पैन में दाल को पका लिया है, मूंग दाल है, पहले इसको भिगो के रखा और खुले पैन में उसको इस तरह से पका लिया है। ये देखिए, काफी दाल जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अगर आप कुकर में करेंगे तो वो मैश हो जाएगी, इसलिए ये पहले से आप करके रख लीजिए। ये हमने गैस पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से इसको गरम होने देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अब हम इसमें डालेंगे जीरा। और मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें ये हरी मिर्च और 1 पिंच हम डालेंगे इसमें हींग। इसके बाद हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे, इसको चलाएंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और साथ ही साथ हम इसमें ये दाल डाल देंगे। देखिए, बहुत ही बढ़िया कलर, बहुत अच्छी खुशबू, हींग की खुशबू है और ये आपकी दाल जो है इस टाइप से पक जाएगी। थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, ये कलर के लिए होता है। ये देखिए इस टाइप से, ये केवल कलर के लिए होती है कश्मीरी चिली पाउडर। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और देखिए पानी सूख गया है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा मिश्रण जो है, स्टफिंग है, वो तैयार है और गैस को करते हैं ऑफ, इसको ठंडा होने देते हैं। आलू देखिए ऐसे ग्रेट कर लिया है, आप इसको मैश भी कर सकते हैं, पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे अब हम ये ब्रेड क्रम, आलू टूटे ना, अच्छे से वो बाइंड हो जाए इसलिए हम ब्रेड क्रम का यूज करते हैं। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा नमक हमारा स्टफिंग में भी है तो हम केवल इसमें नमक यूज करने वाले हैं, तो आप देखकर नमक यूज कीजिएगा। यानी आप जो इसको जब बाइंड हो जाए तब तक आप मिला दीजिए इसमें। आप छोटी सी गोली बनाकर तल कर देख सकते हैं कि परफेक्ट है। ये देखिए, हमने ये छोटी सी आलू की गोली बनाकर देखी है, ये नहीं फट रहा है। इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। अब हम देखिए हाथ पर ऑयल लगाएंगे थोड़ा सा ताकि ये चिपके ना, और इसमें से इस तरह से हम इसको फ्लैट करेंगे। ये अच्छे से हम इसको फ्लैट कर लेंगे। और जो दाल का मिश्रण हमने बनाया है वो हम इसमें ऐसे भर लेंगे। ये पैटीज बहुत टेस्टी लगने वाली हैं, आप जरूर ट्राई करना। इस तरह से इसको पूरा सील करेंगे ताकि कहीं से भी मसाला जो है वो निकले ना।
और इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए गोल करेंगे। ऐसे बनाते जाएंगे और इसमें ऐसे गोल करके रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सारी जो है ये ऐसे लोइयां बनाएंगे, जितना आप भर सकें उसमें, कम ज्यादा ऐसे इसमें स्पून से डालेंगे, एक स्पून डालेंगे मतलब, और इसको पैक करेंगे अच्छे से। अंदर से ये मिश्रण खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आलू की पैटीज ये जरूर बनाकर आप देखेगा। और इसको फिर ऐसे राउंड करेंगे, हाथों को चिकना रखेंगे ताकि आपके हाथ में जो आलू है वो चिपके नहीं। इसी तरह से हम सारे पहले तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने ये चार बना ली हैं पहले, और मैं इसको ऐसे ब्रेड क्रम में एक बार कोट कर रही हूं। ये देखिए इस तरह से ये और भी सुंदर लगेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है और हम इसको डीप फ्राई करने के लिए रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरा भी ऐसे ब्रेड क्रम में लपेटेंगे। और ये देखिए आप शेप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी शेप में बना सकते हैं। इस तरह से हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। अब हम इसको देखिए इधर से गोल्डन ब्राउन हो गया है, ऐसे पलट लेंगे। ये देखिए दाल भी पकी हुई है, आलू भी पके हुए हैं, बस इसको आपको मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी करना है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, और ये जो ऊपर ब्रेड क्रम का जो लगा है चूरा, उससे बड़ा अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए तो आप जरूर बनाइएगा, बनाएंगे ट्राई करेंगे तभी अच्छा लगेगा। मुझे भी आप छोटे साइज के बनाए तो आप सूप के साथ स्टार्टर की तरह सर्व कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से हो गया है ना ब्राउन, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से सिक जाना चाहिए, चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए, फिर हम इसको किचन टॉवल पर निकाल लेंगे। ये देखिए कितना सुंदर है। अब इनकी हम प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी है ये, तो आप जरूर ये ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये मैं आपको कट करके बताती हूं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए अंदर से येलो दाल है, ऊपर से आलू की कवरिंग है, और बहुत ही यम्मी मसालेदार फीलिंग। तो आइए इसको सर्व करते हैं। आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, आप हरे धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, आप चाहें तो इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये चाय के साथ स्नैक्स में देने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन। तो हम इसको गार्निश करते हैं। ये देखिए तो आप इसके साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।